यशायाह 40 अध्याय और उसकी पहली आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं, लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो। शांति क्या देना है हमें, क्या देने के लिए प्रभु ने यहां खड़ा किया है। प्रभु कहता है मेरी प्रजा को शांति देना है तुझे। वाकई आपके अंदर शांति कैसे आएगी, आप कैसे चंगे होंगे, आप कैसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आप कैसे अपनी जिंदगी में उम्मीदों में खरा उतरेंगे, ये चीज प्रभु इस पुलपिट से आपके लिए बात करता है। आमीन। याद रखना है कि परमेश्वर आपको तैयार करता है एक जीवित उम्मीद में। क्या कह रहे हैं हम, अगर आप शब्द को सही से देख रहे हो तो आपको आपके अंदर जीवित उम्मीद आएगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां लिखता है कि तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है मेरी प्रजा को शांति दो। शांति, आपको शांति की जरूरत है। प्रभु ने कहा मुझसे अपने मेरे लोगों को शांति देना। इस पुलपिट पर से वो हर उम्मीदें जो ये रख सकते हैं मुझ पर, उन्हें रखना सिखाना। इस पुलपिट पर से उनको सिखा देना हर एक उन बातों को, जिससे अपनी जिंदगी में उम्मीदों को ना खोएं, अपेक्षाओं को नहीं खोएं, और इनकी जिंदगी में जो अपेक्षाएं हैं, दुख को सहते हुए जो उम्मीदें हैं, प्रभु उसे प्रकाशमान करने वाला है, उसे प्रकाशमान करेगा आपके लिए, आपको दुखों में नहीं रखेगा, आपको दोष मुक्त करेगा, आपको दोष मुक्त करेगा, आपको निर्दोष करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये उम्मीद रखो कि प्रभु हमें दोष मुक्त करेंगे, हमें निर्दोष करेंगे, वो अपने लहू से हमें धोकर हमारी जिंदगी के लिए एक उम्मीद खड़ा करेंगे, और उस उम्मीद के ऊपर आपका घर खड़ा होगा, उस अपेक्षा के अंदर आपका घर बनेगा, जहां पर यीशु मसीह आपकी जिंदगी को संभालेगा और आपकी जिंदगी को अगुवाई करेगा। इसलिए प्रिय बेटे बेटियों, खुदावन के इस बात को याद रखो जो प्रभु 40 और 1 में कहता है। आप उस वचन को देख रहे हो और वहां सब कुछ अच्छा सा लिखा गया है। तुम्हारा परमेश्वर, हमारा प्रभु कह रहा है मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो उन्हें। हाँ, जब आप पुलपिट के सामने आते हैं, जब आप वेदी के सामने आते हैं, आपके लिए प्रभु शांति के इंतजाम करता है। जब आप पुलपिट से अलग होते हैं, जब आप पाप की दुनिया में होते हैं, जब आप संसार के स्वभाव में, आंतरिक भाव में जीते रहते हो, वहां आपके लिए कोई शांति नहीं है। लेकिन जिस दिन आप चर्च के उस बाउंड्री में आ जाते हो, जिस दिन आप कलीसिया के अंदर आ जाते हो, जिस दिन आप मसीह की देह में, मसीह के शरीर में अपने जीवन को शामिल कर लेते हो, उस दिन आपके लिए शांति का उपाय प्रभु करना शुरू कर देता है। वो लिखा है मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। दूसरी आयत में लिखा है यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार कर लिया गया है, यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। इसलिए प्रभु कहता है, याद रखो, दूसरी आयत में लिखा है कि अब उस पवित्र स्थान से, अब उस शांति के जगह से आपके लिए शांति का इंतजाम किया जाएगा। याद रखो, यहां लिखा है यरूशलेम, अंग्रेजी यरूशलेम बोला जाता है, पर यरूशलेम का मतलब क्या होता है नोट कर लेना अपने कॉपी पर। यरूशलेम का मतलब होता है, एरुमंस होता है डबल, और सालेम का मतलब होता है शांति, दुगनी शांति के लिए प्रभु आपको यहां बुला के लेके आया है। आपको दुगनी, डबल ब्लेसिंग, डबल आशीष, आपकी जिंदगी में जो चीजें खो चुकी थी, आपके 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 जिंदगी में जो उम्मीदें थी किसी चीज को बनाने की, घर बनाने की, एक अच्छा स्वास्थ्य होने की, एक परिवार को आनंद पूर्वक देखने की, प्रभु कहता है उम्मीद रख मुझ पर, मैं तुझे यरूशलेम से शांति की बातें कहने वाला हूं। यरूशलेम का मतलब क्या होता है परमेश्वर के लोगों, दुगनी शांति।
आपके लिए परमेश्वर दुगनी शांति देना चाहता है। और वह यहां कह रहा है, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करोगे, यहां लिखा क्या है, यरूशलेम से शांति की बातें कहो। आज ये पुलपिट शांति का प्रतीक है, आज ये वेदी पवित्र वेदी है, जहां पे मैं खड़ा हूं ये एक पवित्र वेदी है। इस वेदी पर से परमेश्वर के दूत तलवार लिए इधर और उधर, और पवित्र आत्मा अपनी मौजूदगी हमारे ऊपर देता रहता है, ताकि परमेश्वर के लोगों को उनकी जिंदगी में जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें खत्म ना हो। परंतु प्रभु कहता है शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो, मेरे परमेश्वर के बेटे और बेटियों आपकी कठिन सेवा अब पूरी हो चुकी है। कठिनाई अर्थात वो संघर्ष आपका खत्म होने वाला है। तेरी कठिन सेवा पूरी होने का मतलब यह हुआ अब तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। तेरी जिंदगी में घर बनाने का संघर्ष खत्म होने वाला है। तेरी जिंदगी में मारपीट झगड़े लड़ाई और मुकदमे और तमाम गुनाह पाप की परिस्थितियां अब खत्म होने वाला है, क्योंकि इस पुलपिट से शांति की बातें आपके लिए कही जाएंगी। आमीन बोलो। यहां लिखा है तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, अब आप अधर्म से बाहर आने वाले हो, अब आप मुश्किलात से बाहर रख दिए जाओगे। कठिन सेवा पूरी हुई है मतलब संघर्ष भरा जीवन आपका खत्म होता है। जब आप यीशु के सामने आते हो, आप उसके लहू से खरीदे हुए व्यक्ति बन जाते हो, आप उसके लहू से खरीदे हुए बेटे बेटियां बन जाते हो, और वो आपको अपना लहू बहाकर आपको खरीद लेता है। जिस दिन आप कहते हो हे प्रभु तू मेरा प्रभु है, जिस दिन आप कहते हो यीशु तू मेरा उद्धार करता है, उसी दिन यीशु मसीह का प्राइम बहुमूल्य लहू आपको अपने हाथ में ले लेता है। उसी दिन से अपनी छाप आपके माथे के ऊपर देता है, और उसी छाप को देखकर शैतान दूर भाग जाता है आपकी जिंदगी से, उसी छाप को देखकर गरीबी दूर भागती है आपकी लाइफ से, उसी छाप को देखकर आपको संघर्ष से बाहर प्रभु रख लेता है और आपको अपना आनंद और शांति देता है। आमीन कहो। क्या इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, यरूशलेम से शांति की बातें कहो। यह शांति किसके लिए है, क्या किसी जानवर के लिए कहा जा रहा है, ये शांति मेरे लिए है। बोलो मेरे लिए है। कहो प्रभु मुझे कह रहा है बोलने के लिए, आपको जो दुखों में हो आपके लिए शांति आ रही है, जो पीड़ाओं में संघर्ष में हो शांति आपके लिए आ रही है, रिसीव करो। हाथ उठाकर उस शांति को रिसीव करो, हाथ उठाकर उस शांति को रिसीव करो। तेरी कठिन सेवा पूरी हो चुकी है, अब संघर्ष भरा जीवन आप में से जाने वाला है, आपके लिए आशीषों के दरवाजे खुलने वाले हैं, आनंद के दरवाजे खुलने वाले हैं। जैसे ही आप अपने घर के दरवाजे खोलेंगे वैसे आपके लिए उम्मीद रहेगी, आपके द्वार पर डेहड़ी पर एक उम्मीद रहेगी, आपके डेहड़ी पर एक उम्मीद खड़ी होगी और वो आपके दुखों का अंत करेगा। आमीन। आपके अधर्मों का दंड किसी ने ले लिया है, आपके अधर्मों का दंड यीशु ने ले लिया है, वो अंगीकार कर लिया है। उसने कहा आप मेरे लोगों को शांति देना, अब मेरे बेटे बेटियों को शांति चाहिए। इसलिए याद रखो, जब आप विश्व की ओर अपनी आंखें उठा के देखते हो और विश्व की चकाचौंध आपको आकर्षित करती रहती हैं, उस समय पिता आपकी ओर बाहें फैला के देखता रहता है। जब आप किसी पाप को देखते रहते हो वो आपको देखता रहता है, जब किसी आप गुनाह को देखते रहते हो वो आपकी ओर अपनी नजरें लगा के देखता रहता है। उसका प्रेम ये है, उसका प्रेम यह है, जब आप अपने आप को किसी सांसारिक वासनाओं में और अभिलाषाओं में लिप्त कर देते हो पर यीशु आपको देखता रहता है। वह कहता मेरा बेटी मेरा बेटी मेरा बेटा मेरी ओर देख, मेरी ओर अपनी नजरें कर ले, मेरी ओर मुझे देख। और जब आप प्रभु को देखना शुरू करते हो आपकी जिंदगी में उम्मीदों की किरण जागृत होती है, आपके जीवन में आपके हार्ट के अंदर उम्मीदों की किरण जागृत होती है,
और आप खोई हुई संपत्ति के लिए रास्ता बनता है, खोया हुआ आनंद के लिए रास्ता बनता है, खोया हुआ प्रॉपर्टी के लिए रास्ता बनता है और वो आपके अंदर प्रवेश करने लगता है। अपनी उम्मीदों को नहीं खो, अपनी उम्मीदों को, अपनी अपेक्षाओं को अंत तक प्रभु पर बरकरार रखो, उसके वचन के ऊपर बने रहो, उसके अंदर अपने आप को लेके चलो। वो कह रहा है इन्हें इनकी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, इसलिए तू दूना दंड पा चुका है, अब परमेश्वर आपको दूनी शक्ति दूनी सामर्थ्य देने वाला है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।